फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपुस किचन। आज का रेसिपी स्वीट बूंदिया। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। स्वीट बूंदिया बनाने के लिए सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। शुगर 1 कप, 1.5 कप बेसन, पानी और फ्राइंग के लिए ऑयल। बूंदिया के लिए जो बेसन लिया उसमें पानी ऐड करती जाऊंगी और अच्छी तरह से स्मूथ बेटर तैयार कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स करने का, नहीं तो लम्स बन जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करके बूंदिया का बेटर तैयार कर लेती हूँ। अच्छी तरह से बेटर को फेंट के तैयार कर लिया। ऐसे स्मूथ बेटर तैयार होगा। बेटर बनाने के लिए 2 चम्मच का कम 1 ग्लास पानी मैं यूज़ किया और 5 मिनट्स ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करने का स्मूथ बेटर तैयार करने के लिए, तभी बूंदिया बहुत अच्छा बनते हैं। चलते हैं अगले प्रोसेस में। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल गर्म हो गया और बूंदिया का बेटर भी तैयार हो गया। अब एक बड़ा ऐसे जो बूंदिया छानते हैं ऐसे बड़ा वाला बूंदिया का छन्नी ले लिया और बहुत इजी से बनाऊंगी, जिस सब लोग घर पे बना सकते हैं। इसके लिए और ऐसे गिराते जाऊंगी तो अपने आप अच्छी तरह से बूंदिया तैयार हो जाएगा। छनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। 30 सेकंड ऐसे रखूंगी और बूंदिया को छन्नी से छान के एक पेपर टॉवल में रख देती हूँ एक्स्ट्रा ऑयल सोक करने के लिए। देखिए कितना बढ़िया बूंदिया रेडी हो गया। ऐसे सारे बूंदिया को तैयार कर लेती हूँ। बूंदिया बनाने के टाइम कुछ टिप्स ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा ऐसे एकदम परफेक्ट बूंदिया बन के रेडी होगा। बूंदिया का तलने का टाइम जो छन्नी से बनाएंगे वो छन्नी पूरा क्लीन करके धो के वापस यूज़ करने का दोबारा। ऐसे करने से बहुत परफेक्ट बनता है। और जो 1-2 मेरा ऐसे बना है वो मैं पहले सेकेंड बार मैं बिना धो के बनाया था, इसलिए ऐसे थोड़ा परफेक्ट नहीं हुआ। ऐसे बनाइए। सारे बूंदिया बना के पहले रेडी किया। अभी अगले प्रोसेस में चलते हैं। मीठा बूंदिया के लिए शुगर सिरप बनाते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए शुगर 1/2 ग्लास पानी ऐड करके शुगर सिरप बना लूँगी। मेल्ट हो गया और 5 मिनट बॉईल कर लूंगी, थोड़ा सा गाढ़ा कर लूंगी। चाशनी में मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करती हूँ, ये चाहिए तो दीजिए नहीं तो स्किप कीजिए, इसमें टेस्ट का कुछ फर्क नहीं आएगा, ओनली कलर बहुत अच्छा लगता है। शुगर सिरप बन के रेडी हो गया। अभी जो बूंदिया मैं फ्राई करके रखा वो ऐड कर देती हूँ और 5 मिनट बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। शुगर सिरप में बूंदिया को अच्छी तरह से मिक्स करके बॉयल कर लिया। अभी गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, बाद में दिखाती हूँ। टेस्टी स्वीट बूंदिया बनके रेडी हो गया। बाउल में सर्व कर लिया।
बहुत इजी से बनाया। ऐसे इजी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।